रावण द्वारा दी गई तीन सीख जो हमें जरूर याद रखनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रामायण काल के दौरान रावण एक लौता ऐसा प्राणी था जिसको सबसे ज्यादा सर्वज्ञानी और बुद्धिमान माना जाता था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण द्वारा लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्रम है। जिस समय श्री राम ने रावण का वध किया था, उस समय मरने से पहले रावण ने लक्ष्मण जी को तीन बातें बताई जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर एक, हमें शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही शुभ कार्य करने का मन में विचार आए, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। नंबर दो, हमें कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण ने कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नंबर तीन, रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरा ज्ञान ये दिया था कि हमें अपने रहस्य को कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें।